हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। एफटीआर के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, जिसमें हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास की तरफ रुख किया हुआ था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमने 1920 तक देखा था, यानी कि हमने असहयोग आंदोलन तक हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन का छत्तीसगढ़ में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। और आज हम देखेंगे 1920 से लेकर 1930 तक किस प्रकार से चीज़ें आगे जाने वाली है। ठीक, कल हम लोगों ने ठाकुर प्यारेलाल जी से संबंधित मिल मजदूर आंदोलन देखा था। उसमें 36 डेज एंड 37 डेज के बारे में बात थी और ईयर के बारे में चर्चा हो रही थी कमेंट्स में। तो वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 1937 को तृतीय मिल मजदूर आंदोलन होगा। ठीक, और जो डे है वह है 37 डेज। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की ही उनकी जीवनी है जिसमें यह 37 डेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देख लेंगे। बाकी चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान महंत नयनदास जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान महंत नयनदास जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया। ध्यान रखेंगे हम अभी असहयोग आंदोलन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे हम चौरा चौरी कांड के बाद उसे हम खत्म करेंगे। तो पहला है, असहयोग आंदोलन के दौरान महंत नयनदास जी के द्वारा कौन सा आंदोलन किया गया। ऑप्शन है फर्स्ट छात्र आंदोलन, दूसरा गोवध आंदोलन, तीसरा अस्पृश्यता आंदोलन और चौथा है किसान आंदोलन। तो इसका आंसर होगा बी, गोवध आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे जो नयनदास जी थे वह श्री गुरु घासीदास जी से संबंधित जो सतनाम पंथ है उन्हीं के ही या क्या थे, शिष्य थे। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों को गोवध एवं अस्पृश्यता से लोगों को या छुआछूत से यहाँ पर इन्होंने जन जागरण लाने का प्रयास किया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, महन नयनदास जी, और महन नयनदास जी सुंदरलाल शर्मा के संपर्क में भी थे ताकि वो सामाजिकता के आधार पर या समाज की भलाई के लिए काफ़ी ज़्यादा कार्य कर सके। तो उन्हीं से ही संबंधित ये गोवध आंदोलन हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसे केंद्रीय इतिहास के साथ जोड़े तो ये गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में से भी एक कार्यक्रम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 21 जनवरी 1922 को सिहावर नगरी में हुए सत्याग्रह के बारे में सत्यकथन है। तो सिहावर नगरी में जो सत्याग्रह हुआ, जो जंगल सत्याग्रह हुआ, उसके बारे में सत्यकथन है। पहला, सिहावर जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में अहमदाबाद अधिवेशन का प्रभाव दिखता है। ठीक, दूसरा, यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू एवं अंत हुआ। ठीक है। तीसरा, लोगों के निजी लकड़ियों को पकड़कर चोरी का गंभीर आरोप लगाया गया। चौथा, इस आंदोलन का दमन पंडित सुंदरलाल शर्मा, नत्थू जी जगताप एवं नारायण राव मेघावले ने आपसी समझाइश से किया। तो चलिए समझते हैं, समझिएगा। 1921 को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर माह में। ठीक, जब दिसंबर माह में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और साथ ही साथ हमारे पास क्या चल रहा है, अभी असहयोग आंदोलन चल रहा है। तो इस असहयोग आंदोलन एवं अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन, इन दोनों का जो इम्पैक्ट होता है वह हमें धमतरी जिले के, अब बात करूँ तो धमतरी तहसील के नगरी सिहावा में देखने को मिलता है। इस नगरी सिहावा में एक आदिवासी यानी कि स्थानीय आदिवासी युवक श्यामलाल सोम के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों को यह बोला जाता है कि हमें जंगल कानून तोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं वो अहमदाबाद आंदोलन यानी अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में गए हुए हैं और उनके अब्सेंट में हमें यहाँ के आंदोलन को या यहाँ के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए आसपास के जंगलों में जाकर हमें जंगल कानून, जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसे आरक्षित घोषित कर दिया है, इसके लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो इसके प्रणेता जो थे वह थे श्यामलाल सोम। इसमें इस समय ऐसी बातें हो रही थी क्योंकि जो जंगल होते हैं वहाँ पर जल जंगल जमीन, जो कि यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों की पूर्णतः क्या थी, ज़रूरत की वस्तुएँ वहाँ थी, उनके लिए जलावन लकड़ी उन्हें प्राप्त होते थे, उनके जो मवेशी होते थे उनको वो चराने के लिए जंगलों में लेकर जाते थे, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अर्थात अगर मैं बात करूं जंगल कानून की, 1922 के सिहावा जंगल कानून की, तो वन संरक्षण के प्रति नीति, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, वो वन को संरक्षित करना चाहते थे ताकि उसके संसाधनों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए बाद में प्रयोग कर सके। ठीक, तो वन संरक्षण की नीति प्लस वन विभाग के अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध, वन संरक्षण की नीतियाँ वन विभाग के अधिकारियों के शोषण के विरुद्ध यह एक जंगल या स्थानीय आंदोलन था, जिसे हमने नगरी सिहावा जंगल कानून का विरोध आंदोलन कहा। पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा आप चीज़ ध्यान रखेंगे तो श्यामलाल सोम के द्वारा यह आंदोलन होता है और याद रखिएगा यह जनवरी के फर्स्ट वीक में यह आंदोलन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है।
ठीक, जनवरी के फर्स्ट वीक यानी जनवरी 1922 की मैं बात कर रहा हूं, इस जनवरी 1922 में यह आंदोलन क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा और गांव वालों के द्वारा जंगल जाकर पेड़ की टहनी थोड़े से घास काट कर ला के क्या किया जाता है, इस कानून को तोड़ा जाता है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। अगर बाद में बात करूं इसकी, इन्फॉर्मेशन इन्होंने सर्किल इंस्पेक्टर को भी दी, सारी चीज़ें दी और जब पुलिस का जत्था यहां पर इंस्पेक्शन के लिए आता है तब लोगों के घर जाकर तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान उनकी जो निजी लकड़ियां वो जब उसे संग्रह करके रखे रहते हैं तो उन निजी लकड़ियों को उन ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा यह बोलकर ब्लेम किया जाता है, उन पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है कि वह जंगल से चुराई हुई लकड़ियाँ हैं, अर्थात निजी लकड़ियों पर आरोप प्रत्यारोप करके उन पर चोरी का आरोप लगाया जाता है और उन लोगों को बंदी बनाया जाता है। और इस मोमेंट के दौरान कुल 33 लोगों को 3 माह की सज़ा, ठीक, 6 माह की सज़ा ध्यान रखेंगे और सुंदरलाल शर्मा जी को 1 वर्ष 8 माह की सज़ा होती है। ये पहला पॉइंट, यहाँ तक आप स्टॉप हो जाए, ठीक। आखिर अब यह आंदोलन समाप्त कैसे होता है, चलिए इस बारे में समझते हैं। तो समझिएगा अहमदाबाद आंदोलन, ठीक, समझिएगा अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जब वहाँ से रिटर्न आते हैं कौन कौन, सुंदरलाल शर्मा जी, नारायण मेघावले और नत्थू जी जगताप, ठीक। ये जब 3 लोग यहाँ पर आते हैं तो जब इन्हें धमतरी आते तो इन्हें पता चलता है कि इस तरह का आंदोलन यहाँ पर हो गया, तब यह नगरी पहुँचते हैं और नगरी पहुँचने के पश्चात वहाँ पर आपसी समझाइश करके लोगों को बताते हैं क्या आप लोगों ने केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन से क्या कोई परमिशन या कोई आज्ञा ली, नहीं ली, या आपने प्रांतीय कांग्रेस समिति से कोई डिस्कस किया इस आंदोलन को चलाने के लिए, तो लोगों ने बोला नहीं लिया, तो तुरंत इसे क्या किया जाए, बंद किया जाए और तब तक का वेट या तब तक की प्रतीक्षा की जाए जब तक कि प्रांतीय कांग्रेस समिति या केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा हमें इसके लिए आज्ञा प्रदान न कर दी जाए, ठीक। और तब तक के लिए यह आंदोलन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है और यहाँ पे सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले और नत्थू जी जगताप के द्वारा उद्वेलित भाषण या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ काफ़ी भाषण दिया जाता है, तब यहाँ पर नारायण राव मेघावले एवं नत्थू जी जगताप को 3 माह की सज़ा एवं सुंदरलाल शर्मा जी को 1 वर्ष 8 माह की सज़ा दे दी जाती है। बट इनको जो सज़ा होती है सुंदरलाल शर्मा जी को, ध्यान रखेंगे, मई 1922 में, यहाँ तक बस आप ध्यान रखें, ठीक। तो मई 1922 में इनको सज़ा हो जाती है सुंदरलाल शर्मा जी को, और जब सुंदरलाल शर्मा जी को मई 1922 में सज़ा होगी तो ये सज़ा के दौरान इनको रायपुर जेल में रखा जाता है और रायपुर जेल में ही वह श्री कृष्ण जन्म स्थान पत्रिका लिखते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका लिखेंगे और इसे ही क्या बोला जाता है, जेल पत्रिका कहा जाता है, जिसमें कुल 18 पेज होते हैं, बस ध्यान रखें इसको। तो मई 1922 में इन्हें रायपुर जेल में रखा जाता है, 1 वर्ष 8 माह की सज़ा, कृष्ण जन्मस्थान पत्रिका लिखते हैं और इसे ही जेल पत्रिका कहा जाता है। अब अगर मैं बात करूं असहयोग आंदोलन की बात, ध्यान रखेंगे, अब मैं अगर बात करूं असहयोग आंदोलन की तो ध्यान रखेंगे 5 फरवरी को होता है चौरा चौरी कांड, 5 फरवरी को चौरा चौरी, ठीक, और 12 फरवरी को बारदोली से महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को कर दिया जाता है स्टॉप। और जब महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए बोला जाता है तब बहुत से कांग्रेस के नेताओं के अलग अलग विचार होते हैं और इसके बाद कांग्रेस में परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो प्रकार की विचारधाराओं का समावेश हो जाता है, वो आप इंडियन हिस्ट्री में देखते हैं। बट कुछ डेट्स के साथ मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूँ क्योंकि सुंदरलाल शर्मा और महात्मा गांधी, इन दोनों की जो वर्किंग स्टाइल होती है वो सेम ही होती है, ठीक। तो चलिए, तो 12 फेब बारदोली, फिर ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार किया जाता है गांधी जी को, ठीक, 12 मार्च 1922 को गिरफ्तार और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में, कहाँ पे भैया, अहमदाबाद में इनको 6 साल की सज़ा दी जाती है,
6 साल की सजा क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है, ठीक। और इनको भी 1 वर्ष 8 माह, तो ये भी मई 1922 में ये गिरफ्त हो जाते हैं और 18 मार्च 1922 में ये गिरफ्त हो जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और इसी थ्योरी से अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था, प्रश्न 2 में लिखा हुआ है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में हुए सत्याग्रह के बारे में। सिहावा जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ में अहमदाबाद अधिवेशन का प्रभाव दिखता, बिल्कुल सत्य। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था, सही बात है, क्योंकि यह आंदोलन खत्म हुआ था जनवरी में ही, समझाइश कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन तो 12 फरवरी को खत्म हुआ, बट उसके पहले यह खत्म होता, बट सजा बाद में होती क्योंकि मुकदमा चलते रहता है, ठीक है। लोगों की निजी लकड़ियों को पकड़कर चोरी का गंभीर आरोप, बिल्कुल सत्य। इस आंदोलन का दमन पंडित सुंदरलाल शर्मा, नत्थूजी जगताप नारायण और मेघावले ने आपसे समझाई से कि बिल्कुल सत्य है। तो इसका आंसर होगा प्रश्न 2 का डी, करेक्ट। फिर आते हैं प्रश्न 3, झंडा सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसने गलत की बात की। अब बात करते हैं, इसने बोला है झंडा सत्याग्रह। देखिए झंडा सत्याग्रह का मतलब ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर डेट होगा, झंडा सत्याग्रह मतलब ये है कि जो प्रतिबंधित स्थान है या जो ब्रिटिश प्रशासन का जो स्थान है या जो ऑफिस है, जो टाउन हॉल्स है, वहाँ पर अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जिस चीज़ को हम लोगों ने तिरंगा झंडा को हम लोगों ने चिन्हित किया था, उसे जाके फहरा देना, यानी कि प्रतिबंधित स्थानों पर झंडा को फहराना ही एक तरह से झंडा सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। और ये झंडा सत्याग्रह हमें 1923 में देखने को मिलेगा, असहयोग आंदोलन के समय भी देखने को मिला कई जगहों में पूरे देश में, और साथ ही साथ हमें यह आने टाइम में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी देखने को मिलेगा। अब यहां पर झंडा सत्याग्रह की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत जो होती है वह होती है 18 मार्च 1923 में, क्योंकि गांधी जी को सजा हुआ था 18 मार्च 1922 को। और याद रखेंगे झंडा सत्याग्रह पहली बार स्टार्ट होता है कहां पे, 18 मार्च 1923 को, यह जबलपुर में, कहां पे, जबलपुर में फहराया जाता है। तो आपको झंडा सत्याग्रह से संबंधित 3 डेट्स याद रखने होंगे। याद रखेंगे पहला 18 मार्च, दूसरा 31 मार्च और तीसरा 13 अप्रैल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये हुआ आपका 18 मार्च 1923, ठीक। उसके बाद आपको ध्यान रखना है 31 मार्च 1923, फिर आपको याद रखना 13 मार्च 1923। ये 3 डेट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि तीनों कभी भी पूछ सकता है कि कहां पर झंडा फहराया गया। तो 18 मार्च 1923 को जबलपुर में नगर पालिका में झंडा फहराया गया। दूसरा चरण बिलासपुर में राजपूत सम्मेलन के दौरान, याद रखेंगे राजपूत सम्मेलन के दौरान जो कि टाउन हॉल पर क्या हो रहा था, ऑर्गेनाइज किया गया था वहां पर 31 मार्च 1923 को टाउन हॉल में किया गया। फिर याद रखेंगे 13 अप्रैल 1923 को, कब, 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में किया गया। और चौथा स्टेटमेंट दिया है 18 अगस्त 1923 को महात्मा गांधी और तत्कालीन गवर्नर फ्राक सलाई के मध्य चर्चा होने के बाद स्थगित हो गया। चलिए देखते हैं इसे। तो 18 मार्च 1923, 31 मार्च 1923 और 13 मार्च 1923, 18 मार्च को आप ध्यान रखेंगे कहाँ पे, जबलपुर। 31 मार्च को कहाँ पर झंडा सत्याग्रह, प्रमुख रूप से बिलासपुर। और 13 मार्च को कहाँ पर, नागपुर, यानी कि जबलपुर से बिलासपुर से नागपुर, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक। और 18 अगस्त 1923 को नहीं, ये विट्ठल भाई पटेल और तत्कालीन गवर्नर फ्राक सलाई के मध्य जब चर्चा होती है तब इसे स्टॉप किया जाता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखेंगे, गांधी जी की गिरफ्तारी के 1 साल पूरा होने पर देश में देशव्यापी एक झंडा सत्याग्रह शुरुआत हुआ, जिसमें मध्य प्रांत में भी हम इसे देखते हैं इसका इम्पैक्ट। मध्य प्रांत के पश्चात हमने यहाँ पे 3 डेट देखे थे, जबलपुर पे, बिलासपुर पे और नागपुर पे, ठीक। और अगस्त में ये झंडा सत्याग्रह क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक और, कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि झंडा सत्याग्रह प्रमुख रूप से किसने नेतृत्व किया था, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का नाम आता है, कई स्रोतों पे यह दिया हुआ है, ठीक। एक चीज़ और कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत से स्रोत हैं, बहुत से इसमें रिसोर्सेस हम देख सकते हैं, कोई हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक्स देखता है, कई तथाकथित पब्लिकेशंस की बुक देखते हैं, तो बहुत से स्रोत हैं। तो कृपया आप भी कंफर्म रहें और उसके बाद चीज़ों को कोशिश करें कि वो सही रहें, तो अपने स्वविवेक का प्रयोग जरूर करते रहें बीच बीच में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 का जो आंसर होगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के बारे में सत्य कथनों का चयन करें, ठीक है। तो पहला है, नवंबर 1923 को मध्य प्रांत में चुनाव हुआ और 70 में 42 सीट स्वराज पार्टी जीतती है। सेवा समिति के सदस्यों में से सर्वदत्त वाजपेयी भी एक सदस्य थे। जुलाई 1926 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव स्वराज दल से इस्तीफा देकर स्वतंत्र कांग्रेस दल की स्थापना करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए बात करते हैं इसमें, हम सबको पता है कि कांग्रेस
का जो गया अधिवेशन होता है 1922 में कांग्रेस के जो गया अधिवेशन होता है उसमें प्रमुख रूप से यह डिस्कस किया जाता है कि जो 12 फरवरी को बारदोली में गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदोली में गांधी जी ने जो असहयोग को स्थगित करने का जो निर्णय लिया था, क्या वो सही है क्या वो गलत है। तो इस तरह के सारे निर्णय होते हैं और यहीं से कांग्रेस दो विचारधाराओं में बढ़ जाती है। पहला एक विचारधारा होती है जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनवादी, दैट इज द चेंजर, ठीक, और दूसरे होते हैं अपरिवर्तनवादी जो कि गांधी की ही विचारधारा के साथ क्या होना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं। और परिवर्तनवादियों में भी हम दो लोग, ठीक है, दो को देखते हैं। परिवर्तनवादी में पहला एक विंग निकल जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रांतिकारी विचारधारा के साथ, और दूसरा एक परिवर्तनवादी होता है जिन्हें जो गांधी जी की विचारधारा के साथ तो चलेंगे ही चलेंगे लेकिन ये कहां पर आएंगे, ये विधानसभा में अपनी पार्टिसिपेशन भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो 1919 में आया था उसमें घोषणा की गई थी कि 1923 में एक इलेक्शन करवाना है प्रांतीय स्तर पर, यानी कि 1923 नवंबर 1923 में एक इलेक्शन होना है, यानी कि चुनाव होना है। किसकी चुनाव? व्यवस्थापिका की चुनाव, यानी लेजिस्लेटिव इलेक्शन होना था। कब? नवंबर 1923 में। किसमें कहा गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। यह क्लॉज था, उसमें बहुत सारे क्लॉज थे, उसमें से यह भी एक क्लॉज था कि ये इलेक्शन यहाँ पर होना होगा, ठीक। अब पॉइंट ये है कि नवंबर 1923 में इलेक्शन होना है और कांग्रेस को उसमें पार्टिसिपेट करना है, तब यहाँ से इस परिवर्तनवादियों में से एक धारा निकल के आती है जिसको लीड करते हैं, जिसका नेतृत्व करते हैं चितरंजन दास जी, और चितरंजन दास की सहायता करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। तो चितरंजन दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, और स्वराज पार्टी का गठन, ठीक, अच्छा, अभी गांधी जी कहाँ हैं? 18 मार्च 1922 को ये अभी जेल में, ध्यान रखेंगे, अभी ये बाहर नहीं आए हैं। और अभी सुंदरलाल शर्मा भी कहाँ हैं? वो भी जेल में हैं, ठीक। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, स्वराज पार्टी के गठन के बाद इसके अध्यक्ष चितरंजन दास और इसके सचिव जो होते हैं वह होते हैं मोतीलाल नेहरू जी। ये तो हमने केंद्रीय स्तर पर देखा, लेकिन इसका प्रभाव हमें मध्य प्रांत में भी दिखता है, और मध्य प्रांत में इसके प्रमुख नेता, इसके संगठकों में प्रमुख रूप से ई राघवेंद्र राव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में जो स्वराज दल, एक्चुअली जो स्वराज पार्टी जो बनती है वह तो प्रमुख रूप से मध्य प्रांत के लिए बनती है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, ठीक। तो मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी के गठन में जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसमें प्रमुख रूप से रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आएगा, ठीक, और बिलासपुर से आप ध्यान रखेंगे ई राघवेंद्र राव, और साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक। तो मध्य प्रांत में व्यवस्थापिका का निर्माण हो चुका है, अब यहाँ पर इलेक्शन होना है नवंबर 23 को, सितंबर 1930 तक ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं, और यहीं पर एक बनती है सेवा समिति, ध्यान रखेंगे, सेवा समिति का गठन किया जाता है। और इस सेवा समिति का गठन इसलिए किया जाता है ताकि स्वराज मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी की जो कार्य योजना बन रही है, जो भी कार्य हो रहे हैं, उसकी प्लानिंग कैसी, उसकी एग्जीक्यूशन हो, इसके लिए सेवा समिति बनाई जाती है। और सेवा समिति के जो सदस्य होते हैं उसमें प्रमुख रूप से तीन सदस्य होते हैं, ध्यान रखेंगे, घनश्याम सिंह गुप्त, दूसरे होते हैं खूबचंद बघेल और एक का नाम याद रखेंगे सर्वदत्त वाजपेयी, ठीक। यानी कि स्वराज पार्टी मध्य प्रांत में प्रमुख छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रविशंकर, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, सेवा समिति में घनश्याम सिंह गुप्त, खूबचंद बघेल और सर्वदत्त वाजपेयी, करेक्ट, ये लोग रह गए। अब उसके बाद चीजें होंगी, और उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल ये अपने अपने क्षेत्रों, यानी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से ये जीत हासिल करते हैं नवंबर 1923 के इलेक्शंस में, ठीक। चलिए, तो नवंबर 1923 को मध्य प्रांत में चुनाव, 70 में से 42 सीट स्वराज पार्टी जीतती है मध्य प्रांत में, 70 में से 42 सीट स्वराज पार्टी, बिल्कुल सत्य। सेवा समिति के सदस्यों में सर्वदत्त वाजपेयी भी थे, बिल्कुल सही, जिसमें खूबचंद और घनश्याम सिंह गुप्त भी थे। जुलाई 1926 में डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने स्वराज दल से इस्तीफा देकर स्वतंत्र कांग्रेस दल बनाया। चलिए, अब ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट को समझने के लिए ये समझिएगा कि आप सबको पता है कि 1925 के आसपास चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि स्वराज दल जो होता है उसको नेतृत्व की कमी हो जाती है, जिससे स्वराज दल जो होगा उसमें धीरे धीरे हमें क्या दिखता है, उसमें छरड़ दिखता है। इसी के तहत, इसी के समय जुलाई 1926 में, कब? जुलाई 1926 के आसपास ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल अलग होकर स्वतंत्र स्वराज दल का गठन करते हैं। कब? जुलाई 1926 में, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाला था वो फिर से नवंबर 1926 में होने वाला था,
ठीक। अब इस इलेक्शन में जो स्वतंत्र स्वराज दल था उसका काफी ज्यादा वर्चस्व पूरे के पूरे कहां पे मध्य प्रांत में दिखता है, क्योंकि ई राघवेंद्र राव केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, वो मध्य प्रांत के स्तर पर यानी कि प्रांतीय स्तर पर एक बहुत बड़े नेता के रूप में प्रसिद्ध हो रहे थे। ठीक, तो पूरे प्रांतीय स्तर पर इस स्वतंत्र स्वराज दल ने काफी ज्यादा काम किया और काफी ज्यादा सीट्स वो जीत कर बाहर आते हैं। और नवंबर 1926 में रामा राव की सरकार, याद रखेंगे किसकी सरकार, रामा राव की सरकार बनती है। और रामा राव देशमुख, ठीक, रामा राव देशमुख के द्वारा जब 1928 में इस्तीफा दे दिया जाता है, तब वहां पर गवर्नर के द्वारा ई राघवेंद्र राव को बुलाया जाता है और ई राघवेंद्र राव सीएम बनकर 1928 में सीएम बनते हैं। ध्यान रखें, फिर से बात कर रहा हूं, जुलाई 1926 में ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और पंडित रविशंकर शुक्ल मिलकर स्वतंत्र दल की स्थापना करते हैं या स्वतंत्र स्वराज दल बनाते हैं। स्वतंत्र स्वराज दल जो है उसने काफी ज्यादा जीत हासिल की थी मध्य प्रांत के 1926 के इलेक्शन में। अब उस इलेक्शन में यहाँ पे रामा राव देशमुख के द्वारा सरकार बनी, क्योंकि रामा राव देशमुख का नाम आपने अभी नहीं सुना होगा, क्योंकि स्वतंत्र दल के एक प्रमुख नेता रहते हैं मध्य प्रांत में, इनके द्वारा सरकार बनाई जाती है। और सरकार बनाने के पश्चात ये बाद में 1928 के आसपास ये इस्तीफा देते हैं, और इस्तीफा देने के पश्चात यहाँ पर ई राघवेंद्र राव को गवर्नर के द्वारा बुलाया जाता है और ई राघवेंद्र राव पहली बार यानी छत्तीसगढ़ से पहली बार कोई सीएम बनता है, तो ई राघवेंद्र राव साहब सीएम बनते हैं। सीएम याद रखेंगे, इस समय इसको सीएम को एक्चुअली बोला जाता था प्रधानमंत्री, ठीक, आज तो पूरे देश के प्रमुख जो उन्हें प्रधानमंत्री बोलते हैं, बट उस समय प्रोविंशियल लेवल पे जो सीएम, आज जो सीएम बोलते हैं, उसमें प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो इस तरह से यहाँ तक की जर्नी है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तब उसमें मैं इलेक्शन वाला 1937 वाला पार्ट बताऊँगा। तो आप याद रखें कि 1937 और 1923 एंड 26 ये दो चीज़ें इलेक्शंस के यहाँ पर से क्वेश्चंस काफ़ी बनने की संभावनाएँ रहती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें से प्रश्न क्रमांक चार जो है इसके सभी होंगे आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्ग जिला राजनीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की और कब की, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 16 मार्च 1924 पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। आइए, जैसा कि मैंने पहले बताया था मई 1922 में ये जेल में चले जाते हैं और आपके गांधी जी जो है वो 18 मार्च 1922 में इन्हें जेल में भेज दिया जाता है, ठीक। तो याद रखेंगे जैसे जैसे इनको 1 वर्ष 8 माह की सज़ा होती है, इनको 6 वर्ष की यानी कि 6 सालों की सज़ा होती है, लेकिन यह 1924 में रिहा हो जाते हैं। कौन? हमारे गांधी जी, ठीक। और यहाँ पे मार्च 1922 में ये भी 1924 में क्या हो जाएंगे? रिहा हो जाएंगे। कौन? हमारे सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक। सुंदरलाल शर्मा और गांधी जी दोनों बाहर निकलेंगे, ठीक। अब दोनों की कार्यविधि हमें देखने को मिलेंगी और दोनों अध्यक्षता करेंगे। तो 1924 में जब ये निकलते हैं तब यह बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पहली बार किसी कांग्रेस की कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया तो वह बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने 1924 में किया था। और इसके पहले भी उन्होंने बहुत से आंदोलन, मतलब जेल से निकलने और बेलगांव की अध्यक्षता के पहले भी उन्होंने कुछ आंदोलन किए थे, यानी कि कई जगह उन्होंने उपवास भी रखा था और इस तरह से वो आंदोलन यानी सक्रिय राजनीति की तरफ फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसी क्रम में ही 1924 में यहां पर कौन? सुंदरलाल शर्मा के द्वारा दुर्ग में 16 मार्च को दुर्ग जिला राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। इसी क्रम में एक चीज और याद रखेंगे, अगर सुंदरलाल शर्मा हम देख रहे हैं तो 3 अक्टूबर 1924 पहले मैंने क्या बताया यहां पर, अभी 1924 की स्टोरी चल रही, तो यहीं पे नोट कर लें आप लोग, 16 मार्च 1924 अध्यक्षता, 3 अक्टूबर 1924 को धमतरी में मस्जिद के सामने बाजा बज रहा था, मस्जिद के सामने कुछ बैंड्स उन्होंने बजाया था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के मध्य एक्चुअली विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है 3 अक्टूबर 1924 को। तब सुंदरलाल शर्मा यहां से तुरंत निकल कर आप धमतरी पहुंचते हैं और इनके मध्य क्या करते हैं, सुलझा करते हैं, दोनों समस्याओं को समझते हैं और समझाने के उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट इसी में ध्यान रखेंगे, अगला क्रम में 18 नवंबर
1924 को, ठीक 3 अक्टूबर हो गया, 18 नवंबर 1924 को प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन रायपुर, याद रख लेंगे प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पे, रायपुर पे होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं शौकत अली, करेक्ट। तो मई 1922 में अंदर, 1924 में बाहर, 16 मार्च 1924 को आपकी दुर्ग जिला राजनीतिक सम्मेलन, 3 अक्टूबर 1924 को आपका हिंदू मुस्लिम दंगा को समाप्त करना, 18 नवंबर 1924 को प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन जिसमें रायपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता शौकत अली जी करते हैं और यहाँ पे सुंदरलाल शर्मा जी की भी भागीदारी होती है, करेक्ट। चलिए उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा प्रश्न 5 का, ए। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार आंदोलन से संबंधित कारण तथ्य सत्य है। असहयोग आंदोलन के समय सुंदरलाल शर्मा, छबीराम चौबे, ठाकुर प्यारेलाल ने यह आंदोलन चलाया, ठीक। दूसरा, छबीराम चौबे का 21 दिन का उपवास सविनय आंदोलन के समय दिखता। 8 नवंबर 1925 में सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार हिंदू सभा महासभा का आयोजन किया था और 23 नवंबर 1925 को सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावले राजीलोचन मंदिर में अस्पृश्य जातियों का प्रवेश कराया। अब यहां पर एक चीज और है, 1923 का इवेंट आपको ध्यान रखना होगा काकीनाडा अधिवेशन के लिए। इसमें सुंदरलाल शर्मा और उनसे संबंधित कुछ लोग बस्तर होते हुए वो काकीनाड़ा तक उस अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने जाते हैं। बस्तर होते हुए इसलिए जाते हैं क्योंकि बस्तर के क्षेत्रों में उन्होंने, उनको कांग्रेस के जो विचारधारा थी और जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो तथ्य थी एवं राष्ट्रीय चेतना थी उसका प्रसार आदिवासी क्षेत्रों में करना था, इसलिए वह काकीनाड़ा अधिवेशन की पैदल यात्रा भी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन एवं स्वतंत्रता से संबंधित जो भी तिथियाँ होती हैं उसमें महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 1924 का, हम लोगों ने बेलगांव अधिवेशन देखा और 1924 की ही बेलगांव अधिवेशन में जब कांग्रेस, जब हमारे कौन, महात्मा गांधी जी वापस आते हैं, जब महात्मा गांधी जी वापस आते हैं और बेलगांव में अपनी एंट्री जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक, तब इन्होंने दो चीजें यहां पर बोली, ठीक है। तो आप सबको पता चल गया कि 1921 में अहमदाबाद, 1922 में गया अधिवेशन, 1923 में काकीनाड़ा और 1924 में बेलगांव अधिवेशन। क्या बोला, 21 में अहमदाबाद, 22 में गया का, 23 में आपका काकीनाड़ा अधिवेशन, 24 में बेलगांव। इस बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने हिंसा के खिलाफ, ठीक, और प्लस समाज सेवा, अछूतोद्धार का कार्यक्रम, प्लस हरिजन उद्धार, ठीक, यानी कि हिंसा को समाप्त करना, समाज सेवा, प्लस अछूतोद्धार एवं हरिजन उद्धार जैसे कार्यक्रमों को अपनाया और अपने रचनात्मक कार्यों में इन कार्यों को भी और अधिक महत्व के साथ शामिल किया और इसी को ही देखा अन्य नेताओं में और इसी का ही प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जब गांधी जी 1924 में बेलगांव में यह संकल्प पारित करते हैं, तब जाके मार्च 1925 में त्रावणकोर के वाइकोम में महादेव मंदिर पे अस्पृश्य जातियों का प्रवेश कराया, ठीक। तो 1924 बेलगांव में संकल्प पारित किया, मार्च 1925 में त्रावणकोर के वाइकोम गांव में महादेव मंदिर में अस्पृश्य जातियों को प्रवेश गांधी ने कराया, ठीक। सेम इसी प्रकार से हम अगर देखेंगे यहां पर, कहां पर, छत्तीसगढ़ में, तो 8 नवंबर 1925 को, ठीक, 8 नवंबर 1925 को सुंदरलाल शर्मा ने अछूतोद्धार हिंदू महासभा का आयोजन किया जिसमें पूरे देश से प्रमुख धर्मनिष्ठ व्यक्ति एवं समाज सुधारक लोगों ने यहां पे पार्टिसिपेट किया और इन्होंने 23 नवंबर 1925 को राजिम के राजीलोचन मंदिर में अछूतोद्धार कार्यक्रम किया, यानी अछूत या अस्पृश्य जाति के जो लोग थे उन्हें मंदिर में प्रवेश कराया और उन्हें बताया कि कोई यहाँ पर अछूत या अस्पृश्य नहीं है, यहाँ कोई सवर्ण नहीं है, सभी क्या है, एक समान है, इसलिए सबको क्या है, मंदिर पे जाने का हक है। ये इनका एक
बताने का तरीका था। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर महादेव मंदिर में प्रवेश कराया तो लाजी लोचन मंदिर के विष्णु मंदिर में यहाँ प्रवेश कराया, और इनका साथ जो दिया प्रमुख रूप से नारायण राव मेघावले ने इनका साथ दिया, साथ ही साथ सारे नेताओं ने इनका साथ दिया, किनका? सुंदरलाल शर्मा का। तो ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल शर्मा की एक असहयोग आंदोलन के समय, ठीक, दूसरा आपका 1925 के समय, ठीक, और फिर जब 1933 में गांधी जी आएंगे तो इनके द्वारा, किनके द्वारा? सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा सतनामी आश्रम भी बनाया जाएगा इसी समय, कहाँ पे? रायपुर में। और जब सुंदरलाल शर्मा के बनाए हुए उस आश्रम में 1933 में गांधी जी जब आते हैं और देखते हैं कि तुम तो मेरे से और बढ़िया कार्य कर रहे हो और तुम मेरे गुरु के समान हो, ठीक, तो ध्यान रखना, तो गांधी ने ही सुंदरलाल शर्मा को क्या बोला, अपना गुरु माना था, क्योंकि जो कार्य ये बहुत ही अधिक तरीके अच्छे तरीके से 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी 1933 के बाद करते हैं, वह ये पहले से ही छत्तीसगढ़ की सारे क्षेत्रों में सुंदरलाल शर्मा ये चीज कर रहे थे, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे, असहयोग आंदोलन, पहला वाला पॉइंट, असहयोग आंदोलन के सुंदरलाल शर्मा छबीराम चौबे ठाकुर प्यारे ये आंदोलन चलाया। राजनांदगांव में असहयोग आंदोलन के समय अस्पृश्य जातियों के उद्धार के लिए जो आंदोलन चलता है उसमें ठाकुर प्यारे लाल छबीराम चौबे प्रमुख होते हैं, बट सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, बल्कि जब सुंदरलाल शर्मा होते हैं, जब वो राजनांदगांव जाते हैं तो अपने इन दो सहयोगियों के साथ जाकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया, लोगों को जनेऊ पहनाया और साथ ही साथ शुद्धिकरण का भी कार्यक्रम किया। तो ये सब मेंस के क्वेश्चन है कि जनेऊ धारण, शुद्धिकरण, अस्पृश्य जातियों का प्रवेश, ये अलग विंग पे आपको लेकर चला जाता है, ठीक। चलिए, और इसी समय याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय छबीराम चौबे ने 21 दिन का उपवास रखा था। तो इसमें जो आंसर होगा, पहला आंसर जो है, असहयोग आंदोलन के समय सुंदरलाल शर्मा, छबीराम चौबे और ठाकुर प्यारेलाल ने यह आंदोलन चाहिए, बिल्कुल सत्य। दूसरा, छबीराम चौबे का 21 दिन का उपवास सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दिखता है, यह गलत है, यह असहयोग आंदोलन के समय हमें दिखता है। 8 नवंबर 1925 को, बिल्कुल सत्य। 23 नवंबर 1925 को सुंदरलाल शर्मा, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। इसका जो आंसर होगा वह होगा 1, 3 एंड 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 1, 3 एंड 4, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सत्य कथन है, रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक 3 फरवरी 1930 को हुई थी। दूसरा, 8 अप्रैल 1930 को रविशंकर शुक्ला के द्वारा नमक कानून बनाकर कानून तोड़ा गया और भाटापारा में 101 रुपये में सर्वेश्वर प्रसाद मिश्रा ने मिट्टी से बना नमक खरीदा। फोर्थ, महाकौशल राजनीतिक परिषद के तत्वाधान में 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में सम्मेलन हुआ। तो चलिए इसको समझने के लिए पहले दो चीज़ें समझते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में आने वाले 5-6 मिनट में उसे एक्सप्लेन करता हूँ। सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने दो चरणों पे हमें देखने को मिलता है। पहला जो चरण होता है वह स्टार्ट होता है 6 अप्रैल 1930 से वह स्टार्ट होगा, ठीक, जो जाएगा 5 मार्च 1931 तक, ठीक। दूसरा जो चरण होगा वह स्टार्ट होता है 4 जनवरी 1932 को, ठीक है, 4 जनवरी 1932 को वह स्टार्ट होता है और वह जाता है आपका 7 अप्रैल 1934, यानी कि 6 अप्रैल 1932 5 मार्च 1931 फर्स्ट फेज ऑफ द CDM एंड 4 जनवरी 1932 7 अप्रैल 1934 इज द सेकेंड फेज ऑफ द CDM, करेक्ट। 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक की जर्नी को आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री में देखा, अभी मैं उसे बात करूंगा कैसे शुरुआत हुई, क्या हुई, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पर आप 5 पांडवों को देखिएगा, 5 पांडव के नाम आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और ये जो सेकंड फेस होगा, इस सेकंड फेस में आप 8 डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। 8 डिटेक्टर कौन, जिसमें से एक महिला डिटेक्टर के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है श्रीमती राधाबाई, करेक्ट। चलिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ पे बहुत से आंदोलन हुए, बहुत सी सारी चीज़ें हुई, बट यहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया क्योंकि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है ये किसी समुद्र किनारे नहीं, तो यहाँ पे नमक यानी कि समुद्र ना होने के कारण नमक नहीं है, लेकिन यह मध्य भारत में जंगल के मामले पे यानी कि फॉरेस्ट के मामले में सबसे आगे है, ठीक। यहाँ पे जंगलों की अधिकता है और जंगलों की अधिकता होने के कारण हम जंगल कानून जरूर तोड़ सकते थे, यानी कि असहयोग के साथ ही साथ हम कानून भी तोड़े, यही हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। अर्थात ऐसी चीज़ें, जब गांधी और इरविन के बीच जब पत्रवार्ता होती है और जब गांधी जी इरविन को बोलते हैं कि आप कैसे किसी चीज़ को इस तरह से आप बेच सकते हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त है,
उन चीजों पे कैसे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं जो कि प्रकृति प्रदत्त है और जिस पे हमारा हक है। इसीलिए प्रकृति प्रदत्त जो नमक होता है उस पे ही इन्होंने क्या लगाया, नमक कानून तोड़ा। और याद रखें इन्हीं नमक कानून को छत्तीसगढ़ में कई लोगों के द्वारा नमक बनाया गया, किसी ने HCL से नमक बनाया, किसी ने मिट्टी से नमक बनाया, किसी ने नाले के पानी से नमक बनाया। और इन नमकों को कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ रुपए दे के खरीदा। अर्थात ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश हुकूमत को ये बताना था इस नमक कानून या नमक कानून को खरीद फरोख्त के बाद ये बताना, यह उद्देश्य था कि आपके द्वारा बनाए हुए नमक कानून को ना हम कभी खरीदेंगे ना ही हम उसे कभी किसी को प्रोत्साहित करेंगे खरीदने के लिए। यानी कि हम नमक भी बना सकते हैं और हमारे नमक या हमारे बनाए हुए नमक के उपभोक्ता भी हमारे ही लोग होंगे। तो बात इतनी सी थी। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में हमें कुछ हद तक नमक कानून, मैक्सिमम हमें जंगल कानून टूटते हुए दिखता, कहीं पे शराबबंदी दिखती है, कहीं पे विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की बातें भी पता चलती है। तो चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर 13 अप्रैल 1930 को, 15 अप्रैल 1930 को और 17 अप्रैल 1930 को दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में सम्मेलन हुए। और रायपुर के महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन में काफ़ी लोग और हर तहसील से आए जिनको नमक बनाने की ट्रेनिंग दी गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया और उसके पश्चात उनको अपने क्षेत्रों पर भेजा गया। और क्षेत्रों पर भेजने के बाद उन्हें सरकार यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के विरोध पे नमक बनाकर कानून तोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। चलिए आइए उसे हम देखते हैं। चलिए ध्यान रखते हैं 31 दिसंबर 1929 को रायपुर से नत्थू जी जगताप नारायण राव मेघावले, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त ठाकुर प्यारेलाल और बिलासपुर से शिव दुलारी मिश्रा, कानपुर उमर भारती, गंगाधर साव और अमर सिंह सहगल लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसमें सम्मिलित होने जाते हैं। ठीक, जब ये सम्मिलित होने जाते हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हमें क्या बनानी है, प्रतिज्ञा दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनानी है। तो जब वो नेता लोग जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो वापस आते हैं छत्तीसगढ़, तो उन्होंने अपने स्थानों पे प्रतिज्ञा दिवस मनाने की बात को स्वीकारा और उसे क्रियान्वित भी करवाया। उसके बाद ध्यान रखें बिलासपुर नगर पालिका की बैठक 27 जनवरी 1930, वही प्लानिंग चल रही है। 3 फरवरी 1930 रायपुर जिला कांग्रेस की स्थायी समिति की बैठक होती है, यानी जिला कांग्रेस की समिति की बैठक होती कब, 3 फरवरी 1930 को, जिसमें जिला कांग्रेस समिति की बैठक होती है जिसमें जिला कांग्रेस समिति को युद्ध समिति में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन अभी यह नॉर्मल कांग्रेस नहीं होगी, अब यह युद्ध के लिए संचालित कांग्रेस या युद्ध के लिए कार्य करने वाली कांग्रेस होगी, इसलिए इसे युद्ध कांग्रेस समिति के रूप में क्या किया जाता है, सामने प्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। फिर याद रखते हैं 6 अप्रैल, मैंने जैसे ही आपको बताया कि 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून टूटता है और उसको फॉलो करते क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के आसपास यहाँ पे किसी भी प्रकार की समुद्री सीमा ना होने के कारण यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से यहाँ पे नमक बनाए गए और नमक को तोड़ा गया। ठीक, तो सर्वप्रथम जो नमक तोड़ा गया 8 अप्रैल को किसके द्वारा, 8 अप्रैल को रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा यहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया सप्रेशाला में HCl प्लस सोडा के द्वारा। किसके द्वारा, HCl प्लस सोडा के द्वारा रविशंकर शुक्ल ने क्या तोड़ा, नमक कानून तोड़ा। उसके पश्चात ध्यान रखते हैं कांग्रेस के द्वारा कुछ कार्य निर्धारित किए गए थे, पहला नमक कानून को तोड़ना, दूसरा मद्य निषेध करना, तीसरा अस्पृश्यता का त्याग करना, चौथा सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना। और याद रखना नमक कानून तोड़ने के साथ ही हम यहाँ पे जंगल कानून को भी देखते हैं। ठीक, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा, लेकिन ये भी एक्सप्लेनेशन में आपको कंटिन्यूसली सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एक एक पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद लास्ट में जो और ओवरऑल फैक्ट्स होगा वो हम एक लाइन से क्लियर कर लेंगे। जैसे कि हम लोग CDM फर्स्ट चरण देख रहे हैं अभी। ठीक, CDM फर्स्ट चरण और CDM फर्स्ट चरण के दौरान हम छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा नमक कानून के बारे में हम डिस्कस करें, इसके बाद मैं जंगल कानून के बारे में बात करूँगा, फिर मद्य निषेध, फिर अस्पृश्यता का त्याग, फिर इधर हम बाकी चीज़ों को देखते जाएंगे। तो पहला हम जो नमक कानून देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं, याद रखेंगे दुर्ग, दुर्ग में 13 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में, याद रखेंगे हर जगह सेठ गोविंद दास आने वाले हैं, इसलिए आपको इसको याद रख लेना होगा और काफ़ी इजी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो याद रखेंगे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल और 17 अप्रैल, एक एक दिन का डिफरेंस है, 13 के बाद 15 एक दिन डिफरेंस, 15 के बाद 17 एक दिन का डिफरेंस है, अंतर है। सेठ गोविंद दास। ठीक, तो दुर्ग में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में एक तोला नमक
को 45 रुपये में नीलाम किया गया। याद रखेंगे महाकौशल राजनीतिक सम्मेलन, महाकौशल राजनीतिक परिषद, ध्यान रखेंगे महाकौशल राजनीतिक परिषद यहाँ पर रखा गया था। और महाकौशल राजनीतिक परिषद का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि ये पूरा का पूरा जो नमक कानून का जो कार्यविधि थी, जो कार्यविधि थी वो पूरे पूरे मध्य प्रांत के लिए थी। तो मध्य प्रांत में जो छत्तीसगढ़ वाला भाग था उसे महाकौशल कहा जाता था, इसलिए महाकौशल राजनीतिक परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर सम्मेलन हो रहे थे ताकि यहाँ पर लोगों को क्या सिखाया जा सके, किस प्रकार से आप आर्टिफिशियल रूप से नमक तोड़ेंगे, किस प्रकार से आप नमक बनाएंगे और नमक को तोड़ेंगे, सारा कुछ यहाँ पर सिखाया गया। और यहाँ पर बहुत लोगों ने, यानी पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला, धमतरी, महासमुंद, बालोद, बस्तर, यहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आके यहाँ पे सेठ गोविंद दास एम जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे बाकियों को नमक कैसे तोड़ा जाएगा, नमक कानून कैसे तोड़ा जाएगा नमक बनाकर, वो चीज़ सिखाया। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो दुर्ग में 13 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास ने नमक तोड़ा, फिर रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद 15 अप्रैल 1930 को होता है, ठीक। तो 13 अप्रैल को डिसाइड किया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे गिरफ्तार हो जाते हैं, तब सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में यहाँ पे 15 अप्रैल 1930 को होता है। फिर यहाँ पर भाषण होता है, भाषण किसका होगा, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का, रविशंकर शुक्ल का, सेठ गोविंद दास का, इत्यादियों का यहाँ पर भाषण होने वाला है। यहाँ पर गीत गाया जाता है, गीत किसके द्वारा गाया जाएगा, रायपुर के अनाथालय का एक बालक होता है जिसका नाम होता है सुमधुर, ठीक, आरंग शिवदास डागा के द्वारा, भाटापारा में सर्वेश्वर प्रसाद मिश्रा, बालोद में तरंगा गांव में ताराचंद मिश्रा। तो इन चीज़ों को याद रखें, किसने कहां पर नमक कानून तोड़ने के लिए नेतृत्व प्रदान किया, किस स्थान से ये चीज़ें पूछ सकता है, तो ये रायपुर के अंतर्गत देखा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डे को, यानी कि 13 दुर्ग को, 15 रायपुर को और फिर 17 बिलासपुर को। तो 17 बिलासपुर में सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में, शनिचरी प्रणाव में छेदीलाल की अध्यक्षता में शिव दुलारे थे और सलाइन वाटर से यहाँ पर क्या किया गया, नमक बनाया गया। याद रखेंगे शिव दुलारे को आप मत भूलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि नमक कानून से संबंधित कौन से व्यक्ति बिलासपुर से प्रमुख रहे हैं, तो याद रखेंगे शिव दुलारे जी, ठीक है। अब बिलासपुर का एक तहसील था मुंगेली, मुंगेली में आपको दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, पंडित कालीचरण सिंह शुक्ल और पंडित रामगोपाल तिवारी। मुंगेली में रामगोपाल तिवारी है, रायपुर में रामदयाल तिवारी है, याद रखेंगे पंडित भी हैं दोनों तिवारी में भी हैं, गोपाल में भी हैं, एक तरफ रामदयाल है एक तरफ रामगोपाल है, ठीक। मुंगेली में क्या होता है, इन दोनों के द्वारा फोकटपारा में क्या होती है, एक नाले होती है, और नाले के पानी को वो लोग क्या करते हैं, नाले के पानी में थोड़े से कंकड़ पत्थर के तत्व भी होते हैं, कुछ ज़्यादा ही होते हैं। तो नाले के पानी को उन्होंने लेके आया, गर्म किया उसको, वो किया, और उसके बाद उसमें से क्या निकाला, नमक निकाला। क्योंकि जो पानी होता है, पानी में चट्टान की मात्रा होती है, और नमक क्या होता है, एक तरह का चट्टान होता है, अर्थात उस चट्टान को गर्म करने के बाद धीरे धीरे उनको नमक, यानी नमकीन सा टेस्ट वाला कुछ पोर्शंस मिला होगा, जिसको वहाँ पर गंगाधर साव दीक्षित ने उसे क्या किया, खरीदा। अर्थात उन्होंने बताया, मतलब ये जो नमक खरीदने का जो प्रोसेस चल रहा था, जो प्रक्रिया चल रही थी, वो यह बता रही थी कि हम अपने देश में, साथ ही साथ हम अगर अपने राज्य में भी हम खुद से अगर नमक बनाए तो उसके खरीदार अवेलेबल है, अर्थात आपके नमक को कोई नहीं खरीदेगा, ये आप समझ लीजिए ब्रिटिश सरकार। अब सिर्फ नमक खरीदा जाएगा तो किसके द्वारा खरीदा जाएगा, हम भारतीयों के द्वारा बनाए हुए नमक को ही खरीदा जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने नमक कानून देखा, जो जो प्लेसेस में है सारे नमक कानून है। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद हम क्या देखते हैं, जंगल सत्याग्रह के बारे में देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला के बाद आपका कौन सा जिला आ जाएगा, आपका रायपुर जिला, महासमुंद, धमतरी, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जंगल सत्याग्रह होगा, हम उस वाले पोर्शन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, जैसा आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा उसके हिसाब से डी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 जितने उपरोक्त कथन दिए हुए सारे के सारे क्या हैं, सत्य हैं। उसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 जो है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, सविनयवज्ञ आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ, एक हद तक सही है क्योंकि असहयोग आंदोलन के समय भी हमें जंगल सत्याग्रह दिखता है, 1937-38 में भी जंगल सत्याग्रह तो दिखता है, लेकिन सविनयवज्ञ आंदोलन के समय भी जंगल सत्याग्रह दिखता है, और वो ऐसा जंगल सत्याग्रह होता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, यानी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सविनयवज्ञ आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, ठीक। तीसरा, नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चलाया। चलिए इसको देखने के पहले कुछ थ्योरी थोड़ा सा देख लेते हैं और आने वाले कुछ क्वेश्चंस के लिए। तो जिस तरह से जंगल सत्याग्रह हुआ, तो जंगल सत्याग्रह को हमने एक मैप के हिसाब से हम देखेंगे तो ये ज़्यादा सुविधाजनक होगा। जैसे कि हम बात करते हैं अगर दुर्ग की, ठीक, तो दुर्ग से संबंधित कौन कौन से जंगल सत्याग्रह हुआ उसका नाम याद रखना है। तो पहला याद रखना है आपको घोंगा जंगल सत्याग्रह, और दूसरा याद रखना है आपको मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। कौन सा?
मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। तो पहला घोंगा जंगल सत्याग्रह, दूसरा मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह याद रखेंगे आप। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसको मैं यहाँ बता पा रहा हूँ, बाकी आप ही किताबों में सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है, बेमित्रा, बेमित्रा में जो जंगल सत्याग्रह हुआ वह हुआ वी वाई तामस्कर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? वी वाई तामस्कर के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे विश्वनाथ यादव तामस्कर, करेक्ट। उसी प्रकार से बालोद में जो जंगल सत्याग्रह होता है, या यहाँ के जो प्रसिद्ध नेता राजनेता होते हैं वह होते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। कौन? नरसिंह प्रसाद अग्रवाल जी बालोद से होते हैं। तो दुर्ग के अंतर्गत दो तहसीलें बेमित्रा एंड बालोद, बेमित्रा में वीवाई तामस्कर को आप बहुत से नेशनल मोमेंट में आप देखेंगे, और दुर्ग के ही बालोद में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को बहुत से ही मोमेंट्स में आप देखेंगे। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा ये व्यक्ति कहाँ से संबंधित है, तो उसका भी आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, दुर्ग जिले में हमने देखा घोंगा एवं मोबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह। फिर हम आते हैं रायपुर की तरफ, रुक करते हैं। रायपुर से संबंधित एक महासमुंद और रायपुर संबंधित एक धमतरी है। ठीक, तो महासमुंद में आप याद रखेंगे एक है आपका लभरा, दूसरा है आपका तमोरा, ठीक, और तीसरा है आपका तानवट जंगल सत्याग्रह। तो लभरा जंगल सत्याग्रह के सक्सेस होने के बाद, सफलता हासिल करने के बाद तमोरा जंगल सत्याग्रह होता है, और तमोरा जो जंगल सत्याग्रह होगा, ठीक, लभरा में जो लीडर होंगे वो होंगे अभिमर्दन गिरी, याद रखेंगे अभिमर्दन गिरी। ठीक, अभिमर्दन गिरी के द्वारा यह लभरा जंगल सत्याग्रह किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तमोरा। तमोरा एक ऐसा जंगल सत्याग्रह होता है जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, दोनों ने भागीदारी निभाई थी अपनी। ठीक, और तमोरा जंगल सत्याग्रह में ही दयावती के द्वारा एक महिला होती है जो नेशनल मूवमेंट से जुड़ी होती है, और ये दयावती के द्वारा ही एसपी दुबे, पुलिस के कर्मचारी होते हैं एसपी दुबे, उनको इन्होंने तमाचा जड़ दिया था। तो बोला जाता है कि तमाचा दयावती के द्वारा कौन से जंगल सत्याग्रह में किया गया था? तो महासमुंद के तमोरा नामक ग्राम पर स्थित तमोरा जंगल सत्याग्रह पे दयावती के द्वारा तमाचा हम देखते हैं। फिर देखते हैं तानवट जंगल सत्याग्रह। ये तानवट जो जंगल सत्याग्रह होता है वह खरियार जमींदारी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और ये जो खरियार जमींदारी के अंतर्गत, अर्थात ये कोई जंगल सत्याग्रह नहीं था, लेकिन इस दौरान यहाँ पर भी लोगों के द्वारा किया गया। तो ये तानवट जंगल सत्याग्रह जो था वह एक जमींदार के विरुद्ध किसानों का एक सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। किसानों के द्वारा बेगार प्रथा के विरोध में यह जंगल सत्याग्रह हमने देखा था। ठीक, महासमुंद हो गया। तो महासमुंद हमने क्या क्या देखा? पहला लभरा देखा, दूसरा तमोरा देखा, और तीसरा तानवट देखा। फिर हम बात करते हैं धमतरी में। तो धमतरी में सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ठीक, और गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह की सफलता के पश्चात हम नेक्स्ट देखते हैं रुद्री जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो रुद्री जंगल सत्याग्रह और गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह देखेंगे कहाँ पे? धमतरी से संबंधित है। और रुद्री जंगल सत्याग्रह पर ही लोगों की भीड़ एकत्रित होने के कारण पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर गोलियाँ चलाई जाती है। यानी यह एक ऐसा जंगल सत्याग्रह था जहाँ पर हिंसात्मक एक्टिविटी या हिंसात्मक क्रियाविधि भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह कह सकते हैं कि जंगल सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ। और यहाँ पर इस जंगल सत्याग्रह में मिंटू, ठीक, कई रिसोर्सेज में आपको ये मिंधु भी मिलेगा। आज ये धमतरी में इस मिंटू मिंधु चौक के नाम से एक स्थल प्रसिद्ध है। ठीक, तो मिंटू एवं रत्नू जी नामक दो व्यक्ति गोली चलने से घायल हो जाते हैं, जिसमें मिंटू या मिंधु की मृत्यु हो जाती है। तो रुद्री जंगल सत्याग्रह में गोली चलेगी और गोली चलने से मिंधु की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो ये गट्टा सिल्ली के बाद आपने रुद्री देखा। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग बिलासपुर जंगल सत्याग्रह। बिलासपुर जंगल सत्याग्रह में हम लोगों ने देखा पहला कोरबा जी। आज वर्तमान के हिसाब से कोरबा में कौन सा क्षेत्र है, जांजगीर चांपा में कौन सा क्षेत्र है, सारंगढ़ में कौन सा क्षेत्र है, और बिलासपुर में कौन सा क्षेत्र है? तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर ईदाखार जंगल सत्याग्रह। कौन सा? ईदाखार जंगल सत्याग्रह। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के निकट एक ईदाखार नामक ग्राम है जहां पर किसानों के द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या किया गया? अपनी आक्रोश प्रकट करने के लिए इन्होंने क्या किया? जंगल सत्याग्रह को अंजाम दिया। तो ईदाखार जंगल सत्याग्रह कहां पे? बिलासपुर जिले में आज वर्तमान में। ठीक, कोरबा में हम देखते हैं यहां पे आपका बांधाखार। क्या? बांधाखार जंगल सत्याग्रह, जो कि मनोहर शुक्ल के नेतृत्व में हमें देखने को मिलेगा। ठीक, जांजगीर चांपा में हम देखेंगे पकरिया जंगल सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? पकरिया जंगल सत्याग्रह, जो किसके नेतृत्व में होगा? अयोध्या प्रसाद जैन
जैन के नेतृत्व में हम ये जंगल सत्याग्रह देखते हैं, लेकिन ये जंगल सत्याग्रह सिर्फ और सिर्फ योजना स्तर तक ही होती है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो बिलासपुर जिले को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिलासपुर में ही ईदाखार जंगल सत्याग्रह, दूसरा है कोरबा का बांधाघार जंगल सत्याग्रह जो मनोहर शुक्ला के नेतृत्व में है, जांजगीर चांपा में पकरिया जंगल सत्याग्रह और एक सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह देखेंगे, और बिलासपुर में ही एक ध्यान रखेंगे पौड़ी जंगल सत्याग्रह। कौन सा? पौड़ी जंगल सत्याग्रह जो सीपत पौड़ी है वहां पर यह जंगल सत्याग्रह देखते हैं, किसके नेतृत्व में? रामाधर दुबे के नेतृत्व में, करेक्ट। तो बिलासपुर में अभी हम लोगों ने कितना देखा? ईदाखार जंगल सत्याग्रह, पौड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह दो, बांधाघार तीन, चार, पांच, पांच जंगल सत्याग्रह यहां देखा। रायपुर में महासमुंद से रिलेटेड हमने तीन देखा, रायपुर में धमतरी से रिलेटेड हमने दो देखा, और यहां पे हमने दुर्ग में घोंगा एंड मोहबना वाला देखा, ठीक। उसके बाद हमने इस तरह के सारे जंगल सत्याग्रह ग्रह को देखा, और एक चीज और याद रखेंगे कि केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष, केंद्रीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष मध्य प्रांत में ब्रिटिश हुकूमत के विरोध के लिए जंगल सत्याग्रह के प्रावधान को लाने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था द्वारिका प्रसाद मिश्र। क्या नाम था? द्वारिका प्रसाद मिश्र। और इसे परमिट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि द्वारिका प्रसाद मिश्र ने यह प्रस्ताव कांग्रेस के अधिवेशन में रखा था, और इसको परमिट करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह को भी क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, किसके विरोध में? ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्रश्न क्रमांक 8 का, पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। दूसरा सत्य होगा क्या? नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा? बिल्कुल गलत। अतः इसका आंसर जो होगा डी होगा, 1 और 3 सही होगा। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन से जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुए थे? ईदाघार जंगल सत्याग्रह बिलासपुर में, पकरिया जंगल सत्याग्रह जांजगीर चांपा अयोध्या प्रसाद जैन के नेतृत्व में, तानवट जंगल सत्याग्रह जो हुआ वह हुआ रायपुर के महासमुंद तहसील खरियार जमींदारी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, ठीक। और सिहावा जंगल सत्याग्रह जो हुआ था यह असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, जिसमें श्यामलाल सोम एवं अवध प्रसाद गोंड ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके पश्चात ही हम सुंदरलाल शर्मा की क्या गिरफ्तारी को देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो आंसर होगा 1, 2 और 3 सही, अर्थात सी इसका आंसर होगा, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 9 इसका आंसर सी होगा। तो यहां तक हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी, उसके पश्चात आप ध्यान देंगे, कुछ तथ्य को और ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारी एक्टिविटी हुई, जिसमें नमक कानून तोड़ना मैंने समझा दिया, जंगल कानून तोड़ना यह भी हमने देख लिया। उस समय जो प्रतिबंधित किताबें होती थी, लोगों के द्वारा उसको भी पढ़ा जाता था, और पढ़ने के साथ ही साथ लोगों में उद्वेलन भावना लाई जाती थी, ताकि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा उनको गिरफ्तार किया कर लिया जा सके और ये अपना आक्रोश प्रदर्शित कर सके, ठीक। तो इसी में ही एक किताब है भारत में अंग्रेजी राज, याद रखेंगे भारत में अंग्रेजी राज, इसका पाठन बहुत से जगहों पर किया जाता था, और इसके रचनाकार जो थे वह थे सुंदर लाल शर्मा, भारत में अंग्रेजी राज। तो प्रतिबंधित बुक पे आप इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इस समय लगान मत दो और पट्टा मत लो नामक दो आंदोलन चले, लगान मत दो और पट्टा मत दो। तो लगान मत दो इसके सूत्रधार जो थे वो गजाधर साव थे, जो कि बिलासपुर के थे, और पट्टा मत लो इसके सूत्रधार जो थे वो ठाकुर प्यारेलाल थे। ये दो चीज़ों को और याद रखेंगे आप, लगान मत लो और पट्टा मत लो, ठीक। उसके साथ ही साथ आप झंडा सत्याग्रह के बारे में भी देखेंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया, वीक सेलिब्रेट किया गया, वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इवेंट्स को कनेक्ट करते जाएं, किस प्रकार से इवेंट्स कनेक्ट्स हो रही हैं, और उस हिसाब से आप अपना सारी तैयारी करें। इसके बाद जो आएगा, जो वीडियोज़ हम लेकर आएंगे उसमें एक पार्ट और होगा, जिसमें हम 1937 का इलेक्शन एंड लास्ट जो मर्जर होती है, ठीक है, सारे रियासतों की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय तुलिकुल वंश से भूमिदान की प्रथा की शुरुआत होती है, और यह चरम अवस्था पर अर्थात इसकी पराकाष्ठा कलचुरी राजवंश में हमें देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इस कारण छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन की क्रियाविधि में उतनी उत्तेजना नहीं दिखती जितनी अन्य राज्यों में हमें देखने को मिलती है, जिसका कारण ही केवल जमींदारी प्रथा था या जमींदारी प्रथा थी, तो ये कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके पश्चात आपको ये भी पता होगा कि कल आपका सुबह या फर्स्ट हाफ में इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट आने वाला है, इस वीडियो के पश्चात मैं उसे ही रिकॉर्ड करूंगा, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।
CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।